हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बूमिंग शेयर स्टॉक में और एक नए फ्रेश वीडियो में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करने वाले अडानी ग्रुप का एक जबरदस्त शेयर के बारे में। जी हाँ, जिन्होंने एक सालों में 217% का तगड़ा रिटर्न देकर अपने निवेशकों को मालामाल किया है और इस शेयर की चर्चा मीडिया में काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट का हिस्सा बना हुआ है, क्योंकि ये शेयर जो 2023 में इस शेयर में काफ़ी बुरा हाल था। जी हाँ, और इस शेयर में जिस हिसाब से गिरावट का सिलसिला चालू हुआ था, ठीक उससे कई बढ़कर इस शेयर की चर्चा अभी मीडिया में काफ़ी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि एक सालों से ये ज़बरदस्त अपने निवेशकों को रिटर्न दे रही है। तो हमने और आपने काफ़ी कमेंट आने के बाद, हमने और हमारी टीम ने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये सारी जानकारी आप तक लाने का प्रयास किया। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक विनती करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और शेयर बाजार म्यूचुअल फंड से रिलेटेड न्यूज़ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम यहाँ ऐसे शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड से रिलेटेड न्यूज रेगुलर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करते रहते हैं। तो हम जिस कंपनी के बारे में चर्चा करें, इस कंपनी की हम फुल एनालिसिस करें, इसकी मार्केट कैप की बात करेंगे, इसकी सेल्स पे नजर डालेंगे और कंपनी के ऊपर कर्ज है या नहीं है वो देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डालेंगे और रिटर्न के मामले में रिटर्न दिया है सिर्फ हवा हवाई बातें हो रही है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, उस कंपनी की फुल एनालिसिस करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इस कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप 2,29,546 करोड़ की मार्केट कैप है। जी हाँ, अगर करंट प्राइस देखा जाए तो 595 रुपये पर भी ट्रेड करती हुई नजर आ रही है और इसकी हाई की बात करें तो 647 रुपये, लो इसकी 185 रुपये। स्टॉक पी की बात करें तो 9.84 रुपये है और इसकी बुक वैल्यू 105 रुपये है। अगर ROC पे नजर डालें तो 15.8% के, ROE पे नजर डालें तो 44.8% की है। दोस्तों इस शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये है। जी हाँ, फेस वैल्यू 10 रुपये है। चलिए हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें। जी हाँ, तो क्वार्टरली रिजल्ट पर नजर डालें तो क्वार्टरली रिजल्ट दिसंबर 2020 में इस कंपनी का जो सेल्स हुआ था 6,895 करोड़ की सेल्स कर रही थी और इस कंपनी का जो सेल्स अभी दिसंबर 2023 में 12,991 करोड़ की सेल्स कर रही है। और एक्सपेंसेस की बात करें तो 8,346 करोड़ की एक्सपेंसेस है। अगर हम क्वार्टरली बेस पर देखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो 3,210 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है कंपनी और नेट प्रॉफिट 2,738 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है। अगर हम ईयरली बेसिस पे देखें प्रॉफिट एंड लॉस तो इस कंपनी का जो सेल्स हुआ था 2012 में 4,035 करोड़ की सेल्स कर रही थी और अभी कंपनी का जी हाँ 47,230 करोड़ की सेल्स कर रही है इस कंपनी। और एक्सपेंसेस की बात करते हैं, एक्सपेंसेस कंपनी का 31,991 करोड़ का एक्सपेंसेस है। अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 18,131 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है और नेट प्रॉफिट भी कंपनी का 23,334 करोड़ के प्रॉफिट में चल रही है कंपनी। जी हाँ, तो कंपनी अभी काफ़ी अच्छी खासी प्रॉफिट में चल रही है। अगर हम देखें कंपाउंड सेल ग्रोथ की बात करें तो कंपाउंड सेल ग्रोथ 3 ईयर में 14% और 5 ईयर में 14% की है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ पर नजर डालें तो 3 ईयर में 120% और 5 ईयर में 48% की है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 1 ईयर में 215% है और 3 ईयर में 87% की और 5 ईयर में 62% की है। रिटर्न ऑन इक्विटी पर नजर डालें तो लास्ट ईयर 45% और 3 ईयर में 34% और 5 ईयर में 24% की है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल, जी हाँ इक्विटी कैपिटल इस कंपनी का मार्च 2013 में 2,393 का इक्विटी कैपिटल था, वही अभी 3,897 का इक्विटी कैपिटल है। रिजर्व की बात करें तो कंपनी का रिजर्व 36,652 करोड़ का रिजर्व है, वहीं देखें उधार तो उधार कंपनी के ऊपर 32,367 करोड़ का ही उधार है। तो रिजर्व कंपनी के पास काफ़ी अच्छी खासी रिजर्व है। अगर लाइबिलिटीज की बात करें तो लाइबिलिटीज कंपनी का 16,833 करोड़ की लाइबिलिटीज है और एसेट पर नजर डालें तो एसेट कंपनी का 23,638 करोड़ का एसेट है। जी हाँ, अगर हम यहाँ पे देखें शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास, जी हाँ प्रमोटर के पास 71.75% की शेयर होल्डिंग है और FII की 15.91% की शेयर होल्डिंग है और DI की बात करें तो DI के पास 1.41% की शेयर होल्डिंग है, बाकी बच्चों की पब्लिक के पास है 10.93% की। तो देखा जाए तो प्रमोटर के पास काफ़ी अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है। जी हाँ, और ये कंपनी अडानी ग्रुप की है और मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँ उस कंपनी का नाम अडानी
अदानी पावर लिमिटेड। जिस हिसाब से पावर सेक्टर का आने वाले समय में काफ़ी बूमिंग पे है और चर्चा चल रही है, उस हिसाब से आने वाले समय में डेफिनेटली आपको अच्छी खासी प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। चलिए एक बार चैट पर नजर डालते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। तो दोस्तों मैंने चैट ओपन कर लिया। वन डे के चैट में इन्होंने निवेशकों को, जी हाँ निवेशकों को 2.89% का लॉस हुआ। अगर 5 डेज में देखें तो 5 डेज में भी निवेशकों को लॉस हुआ, 4.31% का लॉस हुआ। अगर हम 1 मंथ की बात करें तो 1 महीनों में इन्होंने 13.57% का रिटर्न दिया अपने निवेशकों का। अगर 6 मंथ की बात करें तो 6 मंथ में निवेशकों को 75.49% का अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है। अगर 1 ईयर का देखें तो 1 ईयर में निवेशकों को, जी हाँ 217% का अच्छा खासा प्रॉफिट दिया अपने निवेशकों को। अगर हम देखें 5 ईयर का देखें तो 5 ईयर में निवेशकों को, जी हाँ 1000% का तगड़ा रिटर्न देकर अपने निवेशकों को मालामाल किया है। जिस हिसाब से आपको मार्केट में अडानी ग्रुप की चर्चा चल रही है तो आने वाले समय में आपको और भी तगड़ी रिटर्न देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस शेयर की चर्चा मीडिया में काफी ज्यादा हो रही है और एक्सपर्ट इस पर बड़े बड़े टारगेट प्राइस दे रहे हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने जानकारी निकाली न्यूज चैनल के माध्यम से निकाली है, और दोस्तों किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले एक बार खुद से रिसर्च जरूर करना दोस्तों, और एक बार अपने फाइनेंस एडवाइजर की सलाह जरूर लेना दोस्तों, क्योंकि ये जो मैंने वीडियो बनाया ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए होगा। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन शेयर लेने के लिए ना बेचेंगे दोस्तों। और दोस्तों हम कोई से भी रजिस्टर्ड फाइनेंस एडवाइजर नहीं है, तो अगर निवेश करते तो एक बार खुद से रिसर्च जरूर करना दोस्तों, और एक बार अपने फाइनेंस एडवाइजर की सलाह जरूर लेना दोस्तों। ओके फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।